प्रेगनेंसी के पहले महीने में गर्भवती महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव होने लगते हैं। इन बदलावों के बारे में सही जानकारी ना होने की वजह से कई बार गर्भवती महिलाएं घबराहट या तनाव का शिकार हो जाती है। हालांकि अगर गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के पहले महीने में आगे आने वाले लक्षण नजर आए तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। तो चलिए जानते कि क्या क्या लक्षण होते हैं पहले महीने में। पहला है मासिक धर्म का रुक जाना या फिर आपके पीरियड्स रुक जाते हैं। इस प्रेगनेंसी की शुरुआत होने का संकेत माना जाता है। दरअसल किसी महिला की गर्भवती होते ही उसके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। इस हार्मोन की वजह से मासिक धर्म बंद हो जाता है। दूसरा लक्षण होता है रक्तस्राव। जब गर्भाशय में अंडा निषेचित होता है, मतलब फर्टिलाइज होता है, तब गर्भधारण करने वाली महिला को हल्का रक्तस्राव हो सकता है और शरीर में ऐंठन महसूस हो सकती है। गर्भधारण करने के एक सप्ताह बाद गर्भवती महिला के शरीर में ये दो लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तीसरा लक्षण है मूड स्विंग। प्रेगनेंसी के पहले महीने में गर्भवती महिला के व्यवहार में काफी उतार चढ़ाव नजर आने लगता है। यह उतार चढ़ाव गर्भवती महिला के शरीर में होने वाले हार्मोन बदलाव की वजह से होता है। इस दौरान गर्भवती महिला का मूड लगातार बदलता रहता है, जैसे कि वह कभी चिढ़ सकती है या उसे बेवजह रोना आ सकता है। चौथा लक्षण है स्तनों का कड़ा होना। प्रेगनेंसी के पहले महीने में कुछ गर्भवती महिलाएं के स्तन कड़े हो जाते हैं और उनमें हल्का सा दर्द भी होता है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं के स्तनों में थोड़ी सूजन आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है, यह संभव नहीं हो क्योंकि ये सभी के लिए नहीं होता, हर किसी महिला पे ये नहीं होता, कोई कई महिला पर ये हो सकता है। पांचवा लक्षण है निपल का रंग बदलना। इस दौरान आपको निपल में भी बदलाव नजर आ सकता है। हार्मोन्स में बदलाव होने में मेलानोसाइट, जो कि एक प्रकार का त्वचा कोशिकाएं हैं, वो प्रभावित होता है। उससे उन मेलेनिन का उत्पादन होता है, जिससे त्वचा का गहरा रंग हो जाता है। मतलब आपका जो निपल का एरिया है, उसके एरोला है आपका ब्रिस्ट का, वो बहुत ही आपको आपके डार्क लगने लगता है। यही कारण है कि निपल का रंग ज़्यादा गहरा नज़र आता है, बहुत ही ब्लैक हो जाता है आप अगर ऑब्जर्व करें तो। छठवां लक्षण है थकान होना। प्रेगनेंसी में पहले महीने में बिना कुछ किए ही गर्भवती महिलाओं को थकान महसूस हो सकती है। इस दौरान उसे सोने में भी परेशानी हो सकती है। सातवां लक्षण है बार बार पेशाब लगना। शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ने के कारण प्रेगनेंसी के पहले महीने में गर्भवती महिला में बार बार पेशाब लगने की समस्या हो सकती है। आठवां लक्षण है मॉर्निंग सिकनेस। ये तो बहुत ही कॉमन है गर्भवती महिला में पहले 3 महीने के लिए। गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के पहले महीने में सुबह सुबह जी मिचलने, उल्टी होने और चक्कर आने की समस्या हो सकती है। इसे निमटने के लिए गर्भवती महिला नींबू पानी पी सकती है या फिर आप नारियल पानी भी पी ले सकती हैं। खाने की रुचि, अब देखते हैं नवा लक्षण। नवा लक्षण है खाने की रुचि और पसंद में बदलाव। प्रेगनेंसी के पहले महीने में गर्भवती महिला की खान पान से जुड़ी रुचि और पसंद में बदलाव नजर आ सकता है। वह कोई ऐसी चीज खाना शुरू कर सकती है जो उसे पहले पसंद नहीं थी। इस दौरान गर्भवती महिला बार बार भूख लगती है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मुझे जो पसंद था, मुझे चाय पीना बहुत पसंद था, पर पहले मुझे फर्स्ट ट्रिमेस्टर में बिल्कुल चाय नहीं पी, बिल्कुल मुझे वो बिल्कुल ही पसंद ही नहीं आती थी। साथ ही में खाने में बनाते समय जो ऑयल का हम यूज़ करते हैं, उसकी भी स्मेल मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और उल्टियाँ आने लगती थी। अब दिखते हैं दसवां लक्षण क्या है। सीने में जलन। गर्भवती महिला को सीने में जलन की शिकायत हो सकती है, जो सामान्य सी बात है। इसलिए ऐसा होने पर घबराना नहीं चाहिए। आपको कब्ज भी हो सकता है और सूंघने की क्षमता में वृद्धि।
12वां लक्षण है आपकी सूंघने की क्षमता में की वृद्धि। प्रेगनेंसी के पहले महीने में शरीर में होने वाले हार्मोन बदलाव के चलते गर्भवती महिला की सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है। और है और एक लक्षण है जो ज्यादा भूख लगना और सिर में दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, ऐसे लक्षण भी पाए जाते हैं। साथ में आपके पेट में भी दर्द हो सकता है। अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी की पुष्टि या प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करें। अगर किसी महिला को अपने शरीर में अब तक दिए गए लक्षण नजर आते हैं तो उसे जल्द से जल्द प्रेगनेंसी टेस्ट करा लेना चाहिए। गर्भवती महिला यह टेस्ट खुद कर सकती है या फिर आप डॉक्टर के पास भी जाकर इसकी पुष्टि कर सकते हो। तो उसमें से कुछ आसान तरीके हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी किट से जांच। आजकल बाजार में कई तरह की प्रेगनेंसी किट उपलब्ध है जिनकी मदद से खुद ही गर्भावस्था की जांच कर सकती है। दूसरा है यूरिन या ब्लड टेस्ट से पुष्टि। गर्भावस्था की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर से यूरिन या ब्लड टेस्ट करवाया जा सकता है। इस टेस्ट के नतीजे प्रेगनेंसी किट से मिले नतीजे से ज़्यादा सटीक होते हैं। तीसरा है अल्ट्रासाउंड से पुष्टि। अगर पीछे दिए गए दोनों भी उपाय तरीके से जांच करने के बाद भी गर्भावस्था को लेकर आपको संशय है तो आप अल्ट्रासाउंड करा सकती हैं। अब चलिए प्रेगनेंसी के पहले महीने में शरीर में होने वाले बदलाव हम देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। गर्भवती महिला को अपना शरीर पहले से ज़्यादा फुला हुआ लग सकता है और उसे अपनी पीठ का हिस्सा थोड़ा तंग महसूस हो सकता है। शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ने और स्तन ग्रंथियों में वृद्धि होने के कारण गर्भवती महिला के स्तन का आकार भी बढ़ जाता है। शरीर में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ने के कारण गर्भवती महिला के निप्पल ज्यादा काले और बड़े होते हैं। ओवुलेशन के एक सप्ताह या 10 दिन बाद तक गर्भवती महिला को स्पॉटिंग हो सकती है। ऐसा गर्भभ्रूण में प्रत्यारोपित होने के कारण होता है। गर्भवती महिला की योनि से अधिक स्राव हो सकता है। अब चलिए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में बच्चे का विकास और आकार कैसे होता है। पहले महीने से ही गर्भ में शिशु का विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नीचे हम आगे देखते हैं कि विस्तार से देखते हैं। पहला है निषेचन की प्रक्रिया। उसमें शुक्राणु और अंडाणु का मिलन निषेचन कहलाता है। और निषेचन की ये प्रक्रिया संभोग के 2 से 3 दिन बाद शुरू हो सकती है। इस प्रक्रिया के शुरुआती चरण में शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से एक युग्म बनता है। इस युग्म को अंग्रेजी में जायगोट कहते हैं। दूसरा है प्रत्यारोपण की प्रक्रिया। निषेचन के बाद प्रत्यारोपण की प्रक्रिया शुरू होती है। इस प्रक्रिया में जायगोट फॉलोपियन ट्यूब से होकर गर्भाशय में पहुँचता है। 4वें से 6वें दिन के बीच ही जायगोट कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इसके बाद ही कोशिकाएं इकट्ठा होकर गेंद जैसा आकार लेती है। इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। या अगर यह ब्लास्टोसिस्ट 2 से 3 दिन में गर्भाशय की दीवार से चिपक जाए तो प्रत्यारोपण की प्रक्रिया सफलता के साथ पूरी हो जाती है। अब भ्रूण तीसरा है भ्रूण का विकास। निषेचित अंडे के विकसित होने पर एमनियोटिक सैक का निर्माण होता है। इस दौरान प्लासेंटा भी विकसित होने लगता है। बात की जाए शिशु के विकास की तो इस दौरान उसका चेहरा बनना शुरू होगा, आंखों की जगह काले घेरे नजर आएंगे। इस दौरान शिशु का निचला जबड़ा और गला बनना शुरू होगा। वही रक्त कोशिकाएं बनकर रक्त संचार शुरू होगा। चौथे सप्ताह के अंत तक शिशु का दिल 1 मिनट में 65 बार धड़कने लगेगा। इस महीने के अंत शिशु चावल के दाने इतना छोटा होगा। अब जानते हैं कि पहले महीने में गर्भवती महिला को क्या आहार लेना चाहिए। शुरुआती में गर्भवती महिला को फोलेट से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे ब्रोकोली, संतरा आदि का सेवन करना चाहिए। गर्भवती को गर्भाधान करते ही विटामिन B6 से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे केला, साबुत अनाज और सूखे मेवे खाना शुरू करना चाहिए। गर्भावस्था की शुरुआत में फाइबर युक्त फलों का सेवन करना चाहिए। इस दौरान गर्भवती को
दिन में कम से कम 3 तरह के फल खाना चाहिए। दूध से बने उत्पादों या केवल दूध के सेवन को भी गर्भावस्था में पहले महीने में फायदेमंद है। गर्भवती को प्रेगनेंसी की शुरुआत में आयरन से भरपूर आहार जैसे पालक, चुकंदर अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। गर्भावस्था की शुरुआत होने पर गर्भवती के शरीर को अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, इसलिए उन्हें शर्करा वाली चीजें खानी चाहिए और उनको प्रेगनेंसी के पहले महीने में क्या नहीं खाना चाहिए। प्रेगनेंसी की शुरुआत में कुछ चीजें को खाने से गर्भवती महिला और उसके भ्रूण को नुकसान हो सकता है, इसे आप अवॉइड करना चाहिए। वो चीजें हैं समुद्री भोजन, सॉफ्ट चीज, पैकेट वाली चीजें, कच्चा मांस और अंडे, कच्चा पपीता और अनानास, जंक फूड और शराब। इसको इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के पहले महीने के लिए कौन कौन से व्यायाम करना चाहिए आपको, आप वॉक कर सकती है, आप स्विमिंग भी कर सकती हो, इस तरह से पीलेट एक्सरसाइज भी कर सकती हो, आजकल वो काफ़ी ट्रेंड में है इससे, और इस तरह के और कुछ हल्के फुल्के योगासन डॉक्टर की सलाह से आप कर सकती हो। अब प्रेगनेंसी के पहले महीने में क्या करें रोजाना, तो अभी चलिए देखते हैं। ऐसे ही प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और जो आपको एंड स्क्रीन दिखाई दे रहे हो उस पर आप क्लिक करके वो वीडियोस भी आप देख सकते हो। मैंने बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रेगनेंसी पे वीडियोस बनाई हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।